नमस्कार, एनलाइटन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूँ यमलेश बंजारी और मेरे साथ मौजूद है एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर, जिन्हें गोंडवाना के महान प्रवर्तक और कास्मो ह्यूमनिज्म के संशोधक के तौर पर भी देश में जाना जा रहा है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर धीमान विजय मानकर के द्वारा मध्य प्रदेश के बैतूल से दामजीपुरा और भीमपुर में 2 बड़ी आदिवासी सभाओं को संबोधित किया गया और यहां से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम एक 12 पॉइंट 13 पॉइंट का एजेंडा फिक्स किया गया। ये एजेंडा किस तरह का रहा है और इस एजेंडे की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, यही हम सीधा समझेंगे धीमान विजय मानकर साहब से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बैतूल मध्य प्रदेश के राज्य के एक ज़िले में जो कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद हम नागपुर की ओर लौट रहे हैं और सफ़र में यह इंटरव्यू हो रहा है। मानकर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो कार्यक्रम हुआ है किस तरह का ये कार्यक्रम था और इसमें अपने आदिवासियों के लिए विशेषतः किस तरह का संदेश दिया है? कल 9 अगस्त को जो है मध्य प्रदेश में बैतूल ज़िले के भीमपुर और दामजीपुरा, ये 2 जगह में मैंने प्रोग्राम किया, जिसमें बेसिकली भीमपुर का बड़ा प्रोग्राम था। दामजीपुरा का भी प्रोग्राम काफ़ी अंदर था तो वहाँ थोड़ा समय हुआ जाने में। वहाँ कल मैंने 13 पॉइंट का एजेंडा फिक्स किया है इंडिजिनियस राइट्स का, जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, ह्यूमन राइट्स के हिसाब से इंडिया में होना चाहिए। वो 13 पॉइंट का एजेंडा मैंने फिक्स किया। उसके ऊपर मैं आज जाकर जो है 9 तारीख की डेट में पेटिशन बना रहा हूँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ट्राइबल मिनिस्टर और जितने 10 राज्य हैं जहाँ 10 शेड्यूल है वो, और नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं जहाँ पर 6 शेड्यूल के हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के लिए। आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति का जो आपने एजेंडा फिक्स किया है, अगर इसकी प्रमुख बातें अगर हम जानना चाहें पॉइंट टू पॉइंट, तो किस तरह का यह एजेंडा है सर? मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूँ, और क्योंकि लंबा है 13 तो थोड़ा एक एक दो दो पॉइंट करके चलेंगे तो समझने में आसानी होगी। एक तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र ने ILO कन्वेंशन 169 डिक्लेयर किया 1989 में, और फिर बाद में यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल डिक्लेयर किया 2007 में, उसको अगर हम दोनों को देखें तो 5 अधिकारों की बात की है इंटरनेशनल लॉ में ह्यूमन राइट्स के, जिसको हम इंडिजिनियस राइट्स भी कहते हैं, मूल निवासियों के, आदिवासियों के अधिकार। क्या है वो? लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेज, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, यानी ज़मीन पर जहाँ हज़ारों साल से वो रह रहे हैं वो ज़मीन पर उनका अधिकार है आदिवासियों का। जो बड़ा क्षेत्र टेरिटरी है वो टेरिटरी एक छोटे ऑटोनॉमस जो स्टेट्स होते हैं, ऑटोनॉमस जो यूनिट्स होते हैं, उस तरह उनका अधिकार है उस पर। रिसोर्सेस यानी जो खनिज संपदा है ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर, उस पर आदिवासियों का राइट है। कल्चर यानी उनकी जो संस्कृति है वो एक अलग है पूरे बाकी कम्युनिटीज से, वो उसका जतन करने का, उसके आधार पर जीने का उनको अधिकार है। एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी अगर वो कहते हैं कि भाई हम आदिवासी है, इंडिजीनियस है, तो वो रिकग्नाइज कंट्रीज़ को करना होगा। ये 5 अधिकार हैं। उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अमेंडमेंट हो, क्योंकि संविधान में ये चीज़ें नहीं है, संविधान में गलती की गई है संविधान लिखने वालों ने। जो है एबोरिजिनल ट्राइब का सवाल, जब जयपाल सिंह मुंडा ने उसी समय 1948 में कहा था कि भाई एबोरिजिनल ट्राइब लिखा जाना चाहिए हमको और हिंदी में आदिवासी लिखा जाना चाहिए, इसको नकारा गया। तो संविधान को पॉजिटिव अमेंडमेंट करके ये चीज़ों को लाना, यहाँ जो 12 करोड़ आदिवासी है उनको इंडिजीनियस पीपल डिक्लेयर करना, एबोरिजिनल ट्राइब डिक्लेयर करना, ये पहला इसका सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत यहाँ से ये होगी। इससे लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्स, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के जो अधिकार है वो उनको ऑटोमेटिक आएंगे, यानी जो वन संपदा है ऊपर की उसमें के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के साथ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकती है, और जो मिनरल राइट्स है, जो ज़मीन के नीचे जो मिनरल है, जो देश के टोटल मिनरल्स के 70% मिनरल आदिवासियों के क्षेत्र में, उसमें उनको 10-15-20% का शेयर होल्डिंग राइट मिल सकता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। एक एजेंडा सर इसमें 15-20% शेयर होल्डिंग राइट्स देने की भी बात आपने की है आदिवासियों को, खनिज संपदा में खास तरह के। किस तरह से ये पूरा एजेंडे का विस्तृत, अगर हम चाहेंगे किस तरह का ये एजेंडा है पूरा विस्तृत, जिससे कि आदिवासियों को इसका बेनिफिट मिल सकता है अगर फिक्स होता है एजेंडा? देखिए, अगर ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आके डिक्लेयर हो जाता है इंडिजिनियस पीपल, तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, पार्लियामेंट को फिर ये अमेंडमेंट करने के साथ में पेसा लॉ को और अमेंड करना पड़ेगा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को और अमेंड करना पड़ेगा, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को और DMF रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा। और ये जैसे ही अमेंडमेंट होंगे
तो पेसा लॉ, MMDRA एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये तीनों इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे और इसके साथ राज्यों को पंचायती राज अधिनियम और लैंड रेवेन्यू कोड को अमेंड करना पड़ेगा। तो जो ग्राम सभा है आदिवासियों की, उनको ये पूरा का पूरा राइट मिल जाएगा और वो जो है वो 10-15% जो मेजर होल्डिंग राइट है वो उनको आसानी से मिल जाएगा। एक पूर्वोत्तर राज्य को लेकर भी आपने कोई एजेंडा दिया है, ये किस तरह का एजेंडा है सर? देखिए, पूर्वोत्तर राज्य में क्या हुआ है और पांचवी अनुसूची में भी अभी क्या हो रहा है। पूर्वोत्तर राज्य में आसफा लॉ यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट को लगाकर जो वहाँ के ट्राइबल एरियाज है उसमें डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर किया गया। उससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल और विलेज काउंसिल्स है उनको जो आदिवासी कल्चर के हिसाब से जो ऑटोनॉमी से जीना है उसमें बाध्यता आ गई। सेम बात हो रही है शेड्यूल्ड क्षेत्रों के अंदर में। शेड्यूल्ड क्षेत्र में जो जो अर्बन यानी म्युनिसिपैलिटीज बनाई जा रही है तो उसके अंदर में जो है शेड्यूल्ड एरिया में नॉन शेड्यूल्ड एरिया क्रिएट की जा रही है, जबकि आर्टिकल 243 ZC में ये क्लियर लिखा है कि पार्लियामेंट ने लॉ बना के जो है इसको रिकनसाइल करना चाहिए और इसको जो है वो शेड्यूल्ड एरिया में इस तरह की अगर अर्बन बॉडीज बन रही तो उसमें कैसा पेसा लॉ इम्प्लीमेंट होगा इस पर ध्यान देना चाहिए, तो ये बात नहीं हो रही है। दूसरा जो है पेसा लॉ के सेक्शन 4O में कहा गया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में जो है 6 शेड्यूल के हिसाब से मॉडल बनाया जाए शेड्यूल्ड एरियाज में, वो भी जो है नहीं किया गया। तो ये भी इस एजेंडे का पार्ट है जो मैंने लिया हुआ है। सर, अनुच्छेद 243 ZC के अंतर्गत आपने अनुसूचित शहरी क्षेत्रों में जो रोक कुछ है ऐसा कुछ रोक टाइप की बातें हाँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जैसे शेड्यूल्ड एरिया है उसमें एक अगर शहर बन गया तो वो शहर में शेड्यूल्ड एरिया पेसा लॉ लागू नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कर रहा है किया जा रहा है कि शेड्यूल्ड एरिया में नॉन शेड्यूल्ड एरिया बनाई जा रही है। तो 243 ZC ये कहता है कि पार्लियामेंट एक विशेष लॉ बनाए और उसमें फिर ये शेड्यूल्ड एरिया के जो अर्बन बॉडी में कैसा इंप्लीमेंट होगा उसका क्या स्वरूप रहेगा ये डिसाइड किया जाए। तो वो एजेंडा यहाँ डिसाइड यानी ये एजेंडे में लिया है कि ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाना चाहिए। सर, अपने प्रमुख आदिवासी भाषाओं को भी क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया जाए, आठवीं अनुसूची में लाया जाए, ये बातें की हैं। कौन कौन से ऐसी भाषा है सर जो जरूरी है क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया जाए? क्लासिकल लैंग्वेजेस करने के लिए देखिए, अभी जैसे संताली का ग्रामर है, संताली भाषा तो ऑलरेडी एज शेड्यूल में है, संताली भाषा तो बिल्कुल जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज घोषित हो सकती है। गोंडी एक प्री द्रविड़ियन भाषा है, ये गोंडी और मुंडारी जो है और हो और संताली, ये इससे संस्कृत में लोन वर्ड्स है 300 के ऊपर में जो है वो, तो इसको जो है क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की जा सकती है। भीली और गोंडी जो है वो जैसे भीली 90 लाख से ऊपर लोग बोलते हैं, गोंडी जो है वो लगभग 40 लाख से ऊपर बोलते हैं, हो और मुंडारी जो है 20 लाख से ऊपर लोग बोलते हैं। फिर दक्षिण भारत की बहुत सारी आदिवासियों की भाषा है जो द्रविड़ियन लैंग्वेजेस है, तो ये तमाम जो प्रमुख भाषाएं हैं उनको 8 शेड्यूल में लाना चाहिए। अभी संस्कृत 16,000 भी लोग नहीं बोलते, उसको आपने 8 शेड्यूल में रखा है। सिंधी जो है 25 लाख भी नहीं बोलते, उसको आपने 8 शेड्यूल के अंदर में रखा है। मैथिली को रख दिया है आपने, कोंकणी को रख दिया है जो 40-50 लाख या 60-70-80 लाख लोग बोलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी जो ट्राइबल लोगों की जो भाषाएं हैं उसको आप 8 शेड्यूल में नहीं लाए, ये तो अन्याय है। तो ये 8 शेड्यूल में लाया जाए और कुछ भाषाओं को क्लासिकल डिक्लेयर किया जाए और फिर ये भाषाओं का संवर्धन किया जाए। ट्राइबल लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हो, उसके ऊपर में रिसर्च हो, उसके बाद में उसको स्कूलों में कैसे लाना है वो एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो वो संवर्धन की और उसके प्रसार की भी एजेंडा होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपने कही सर कि दूसरे राज्य पुनर्गठन की बात कहते हुए आपने कुछ ट्राइबल स्टेट बनाए जाने की जरूरत देश में, आपको कहाँ कहाँ महसूस हो रही है कि ट्राइबल स्टेट बनाए जा सकते हैं या संभावनाएं है? देखिए, एक तो सेकंड स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाने की जरूरत है क्योंकि और भी राज्यों की डिमांड है। जब पहला स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में बना था तो उसके आधार में हमने क्या भाषा को ध्यान में रखा कि भाई जब एक भाषा के आधार पे, तो भाषा कौन सी ध्यान में रखा, मान लीजिए साउथ इंडिया में तमिल को ध्यान में रखा, मान लीजिए तेलुगु को ध्यान में रखा, फिर मान लीजिए आप मलयालम को ध्यान में रखा, कन्नड़ को ध्यान में रखा, हिंदी को ध्यान में रखा, मराठी को ध्यान में रखा। लेकिन उन भाषाओं के क्षेत्रों में जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र में अभी भीली बोलने वाले 90 लाख लोग हैं, 1 करोड़ के आसपास भीलों की आबादी है मान लीजिए। अब अगर गोंडी बोलने वाले लोग हैं, गोंडों की आबादी मान लीजिए जैसे 1 करोड़ के आसपास गोंडों की आबादी 80 लाख से ऊपर जो है, अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और ये बेल्ट पकड़ ले, तो भाई आपने जो ट्राइबल जो टेरिटरी थी तो ट्राइबल टेरिटरी को तो आपने भाषा के आधार पर दे दिया ये स्टेट को वो स्टेट को, तो जो ट्राइबल
टेरिटरी जो थी, जैसे भीलो की ट्राइबल टेरिटरी है, गोंडो की ट्राइबल टेरिटरी है, गोंडो के साथ कोलाम रहते हैं, कोरकू रहते हैं, उरांव रहते हैं, उधर बैगा रहते हैं, मुंडास रहते हैं, बहुत सारी जो है वो कम्युनिटीज़ है। तो ये जो है उनको वो जो टेरिटरी आदिवासियों की, तो एक तो भील प्रदेश बनना चाहिए, जैसे आप दक्षिण राजस्थान जो है उदयपुर वाला जो बेल्ट है वहाँ से लेके फिर आपका जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के कुछ तहसील है, ये मिला के एक भील प्रदेश बन सकता है। फिर बस्तर के अंदर में आप तेलंगाना और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िला को जोड़ दो, तेलंगाना के जो जुड़े हुए आदिलाबाद और आसपास की ज़िलों को जोड़ दो तो वो एक स्टेट बन सकता है। कोरापुट को अगर जोड़ दो और अगर आप छत्तीसगढ़ के साथ में तो वो एक दक्षिण बस्तर के साथ तो वो एक बहुत बड़ा स्टेट बन सकता है। झारखंड का भी जो एरिया है, आप मयूरभंज को जोड़ दो यदि आप, जो है केवंजर को जोड़ दो अगर आप, तो झारखंड के अंदर वो एक बड़ा ऐड हो सकता है। तो इस तरीके से जो है जो तीन चार राज्य तो मुझे ऐसे बनते हुए डायरेक्ट नज़र आ रहा है जो ट्राइबल स्टेट्स हो सकते हैं, तो वो भी एक एजेंडे में हमने इसको फिक्स किया है। प्री हिस्टोरिक साइट्स की भी आपने बात की है, कहाँ आपको महसूस हो रही कि प्री हिस्टोरिक साइट्स जो है जिसके आधार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से इन साइट्स को चिन्हांकित कर इनको जरूरी है, इनका महत्वपूर्ण मतलब इन साइट्स को घोषित किया जाए आप कह रहे हैं? देखिए, पायनियर ऑफ प्री हिस्ट्री इन इंडिया रॉबर्ट फुट, इन्होंने लगभग 1886 के आसपास अथिरापक्कम ये जो साइट है तमिलनाडु का, उससे खोज करना चालू किया। तो वहाँ से पता चलना चालू किया कि भाई इंडिया के अंदर तो बहुत पुराना कुछ सिविलाइजेशन था, बाद में आप देखिए एक के बाद एक सिविलाइजेशन मिले। आप कर्नाटका में जाइए हुसुंगी वैली मिली है, आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो मछलीपट्टनम एंड कुरनूल केव्स मिली हुई है, आप महाराष्ट्र आइए तो नेवासा मिली हुई है, पाटने मिली हुई है, आप मध्य प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ अभी हम बात कर रहे हैं वापस जाते हुए, वहाँ पर आपको भीमबेटका मिला है, आपको बगोर मिला है, हंथोरा मिला हुआ है, फिर बघोर मिला हुआ है, फिर आपके जो नीमच एरिया के अंदर में साइट्स मिले हुए हैं। गुजरात चले जाइए तो हरोन वैली मिली हुई है, उसके पहले आपकी तो वो जो समुंदर के नीचे सीट है, सिटी है, वो सिटी ऑलरेडी वहाँ पर एक मिली हुई है। आप राजस्थान चले जाइए, पुष्कर लेक है, डिडवाना है, आप यूपी चले जाइए बेलान वैली है, बिहार आ जाइए पैसारा है, आप कश्मीर चले जाइए वहाँ आपको साइट्स मिलेंगे, आप नॉर्थ ईस्ट में मेघालय चले जाइए वहाँ गारो हिल्स में मिलेंगे, त्रिपुरा में दो साइट्स का बड़ा उल्लेख है। तो आपको 100-150-200 साइट्स ऐसे मिलेंगे जिनका एज, इम्पॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, ये एज को समझिए, वैदिक पीरियड केवल 3600 साल पहले का है इंडिया में, वैदिक पीरियड के पहले कम से कम और 3000 साल से 3500 साल पहले से सिंधु सभ्यता का पीरियड है, जिसको हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा कहते हैं, राखी गढ़ी अभी जैसे जो मिल रहा है आपका हरियाणा में, उसके भी 40000 साल पहले लगभग, यानी टोटल आज से 50000 साल, 45000 साल, 40000 साल पहले के साइट्स इंडिया में मिले हुए, जो ये बात को प्रूव कर रहे हैं प्री हिस्ट्री को कि भाई इंसान को जब अकल आई 70000 साल पहले, जिसको हम कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके बाद में जिसको अपर पेलियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है, उस अपर पेलियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी 45-50000 साल से लेके 12000 साल तक के, वहाँ पूरे दुनिया में साइट्स मिले, इंडिया में भी साइट्स मिले, इसका मतलब ये प्रूव होता है कि भाई भारत के अंदर में इंडिजीनियस लोगों का कल्चर था, आदिवासियों का कल्चर था, 50000 साल से वो साइट्स मिले हुए, उनको जो है आपको जो है प्री हिस्टोरिक जो है वो इंडिजीनियस साइट्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। ये भी एक एजेंडा मैंने लिया, इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। 2021-22 की जनगणना में आपने आदिवासियों के संस्कृति और सभ्यता के कोड की डिमांड की है, किस तरह की डिमांडिंग है आपकी और क्यों ज़रूरी मानते हैं आप आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता का कोड भारत? बिल्कुल ज़रूरी है, देखिए बिल्कुल ज़रूरी है। आपने कहा कि भाई ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये सिख है, ये XYZ जैन है, बहुत है, ठीक है रखे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो सबसे पहले जो लोग थे और इंसान तो कोई धर्म को मानता ही नहीं था, पहले इंसान तो हरदम जो है वो प्रकृति को समझ के चला है, तो प्रकृति को समझ के हजारों साल जो जिए मानवता से वो आदिवासी है, उनकी आबादी 12 करोड़ है, उनके लिए जनगणना में कोड ही नहीं है।
और अगर उनके लिए कोर्ट नहीं है तो ये संविधान का डिफेक्ट है। हमारे संविधान के अंदर में आर्टिकल 25 से लेकर 30 तक अगर आप पढ़ोगे तो रिलीजन के अलावा जो रिलीजन को नहीं मानने वाले लोग हैं उनके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है संविधान के अंदर में। संविधान के अंदर आदिवासी को एबोरिजिनल माना ही नहीं गया है, ये संविधान के डिफेक्ट है। शेड्यूल ट्राइब का क्या मीनिंग होता है? शेड्यूल का मतलब होता है सूची के आदिवासी, ये कौन सा मीनिंग होता है? वो क्या अकल थी संविधान लिखने वाले लोगों को, जिनको इतनी सिंपल बात नहीं समझी कि आप लिस्ट का ट्राइब लिख रहे हैं, उनको जो एबोरिजिनल है उनको लिस्ट का ट्राइब लिख रहे हैं। तो मुझे तो उनकी विद्वत्ता के ऊपर में जो है बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे विद्वान थे करके, जिनको इतनी नहीं बात मालूम थी कि कनाडा और न्यूजीलैंड में क्या इंटरनेशनल लॉ उस समय ब्रिटिश कॉलोनीज के अंदर में आया हुआ है। तो ये जो तमाम बातें हैं, तो ये एक कॉलम जो है अलग से बनाया जाए, ट्राइबल कोड हो, बाकी धर्मों का कॉलम हो जिनको कोई दिक्कत नहीं है, एक ट्राइबल कोड हो जिसमें ट्राइब के लोग लिखे कि भाई हमारा कोयापू नेम है या हमारा सरना है, हमारा डोनी पोलो है, और एक कॉलम अलग और होना चाहिए जो मैंने कहा है धर्म को नहीं मानने वाले, नो रिलीजन, जिनको लगता है कि हम कोई रिलीजन को नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल साइंस को समझते हैं, नेचर को समझते, कोई रिलीजन को नहीं मानते, उनके लिए भी एक कोर्ट अलग से होना चाहिए। तो ये ट्राइबल कोर्ट का अलग से एक एजेंडा इसमें फिक्स किया है। 10 राज्यों में अपने पेशा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए जाने की भी बात की है, ये किस तरह के अधिकार है सर? देखिए, ये आपके 10 राज्य जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये 10 राज्यों में शेड्यूल्ड एरियाज है। तो ये 10 राज्यों में अभी तक पेशा लॉ जब 1996 में बना, जब 1994 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया कि भाई इंडिजिनियस डे होना चाहिए और 169th आइलो कन्वेंशन उसके पहले 1989 में आया, तो उसके बाद में देश की संसद को याद आया कि नहीं भाई आदिवासियों के भी राइट्स है जो संविधान में नहीं है, लेकिन 5वीं अनुसूची है तो उसके हिसाब से हमको लॉ बनाना चाहिए उस बातों को ध्यान में रखते हुए। तो उन्होंने पेशा लॉ तो 1996 में बनाया, लेकिन जो असेंबलीज है स्टेट्स की, ये 10 स्टेट्स की, उन्होंने पेशा रूल्स को फ्रेम नहीं किया, पेशा नियम को फ्रेम नहीं किया। तो मैंने पिछले साल ही पिटीशन किया 1 जनवरी 2021 को कि भाई ये पेशा नियम बनाए गए और ग्राम सभा के क्या अधिकार है, क्या फंक्शनिंग्स है, कैसी उनकी ड्यूटीज़ है, ये सारी बातें पेशा नियम बनाकर क्लियर किए जाए, ये भी एक एजेंडे में ले आए इसमें। पंचायती राज अधिनियम और लैंड रेवेन्यू कोर्ट को संयुक्तिक बनाए जाने की भी आपने एक बात कही है, किस तरह से इसको संयुक्तिक किया जा सकता है गवर्नमेंट के माध्यम से? देखिए, क्या है पेशा लॉ जो है, तो पेशा लॉ और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और डीएमएफ रूल्स जो है अभी फिलहाल में MMDR एक्ट 1957 में जो DMF रूल्स है, अगर आप इनको लेंगे और अगर आप उन राज्यों के पंचायती राज अधिनियम को लेंगे या लैंड रेवेन्यू कोर्ट को लेंगे, तो ये इसमें जो है इनकंसिस्टेंसी है, इसमें तफावत है। तो जब तक इनको रिकनसाइल नहीं किया जाएगा, जैसे अभी आपने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का अधिकार दे दिया आदिवासियों को, कहा कि नहीं भाई 10 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए, फिर आपका महुआ फूल है, तेंदुपत्ता है, गम लैक है, चारोड़ी है, ये सब उनका अधिकार है, आपने लिख दिया। लेकिन जब आप फॉरेस्ट का लॉ जो है उसको आपने रिकनसाइल नहीं किया, तो कई जगह फॉरेस्ट के लोग बोलते नहीं ग्राम सभा को हम ये परमिशन नहीं दे सकते, TP नहीं दे सकते, तो फिर वो अधिकार जो आपने दिया उसका इफेक्टिव रियलाइजेशन कैसा होगा? तो अब आप मान लीजिए ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, तो 2013 का जो लॉ है, तो 2013 के लॉ जो है उसमें तो ये अधिकार है कि भाई नहीं आपको सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, ग्राम सभा को पूछा जाना चाहिए, लेकिन आप 96 से लेके 2013 तक के जो लैंड एक्विजिशन हुए उसमें कहीं पे कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये तमाम लॉस को अमेंड करके हारमोनियस बनाने के लिए, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। इसलिए बेसिकली पंचायती राज अधिनियम और लैंड रेवेन्यू कोड दोनों को अमेंड अगर आप नहीं करेंगे, तो राज्यों के अंदर में जो और फॉरेस्ट लॉस को, तो राज्य गवर्नमेंट और फॉरेस्ट के अधिकारी, ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है और DMF रूल्स है और पेशा जो लॉ है उसकी जो प्रोविजंस है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने देते हैं, तो इसको रिकनसाइल करने की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक एजेंडा है इसमें। सर, आपने जो 13 पॉइंट का एजेंडा फिक्स किया है उसमें अंतिम बात जो महत्वपूर्ण आपने की कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करके भारत यह गोंडवाना है, ये बातें आपने कही है, ये किस बेस पर आप कह रहे हैं और कैसे इसको किया जा सकता है, इसके लिए क्या प्रावधान करने की जरूरत, किस तरह का संशोधन की जरूरत पड़ेगी आपको? देखिए, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय में भी ये डिबेट्स हुए हैं, 2 डेट्स में डिबेट्स हुए हैं अलग अलग जो है। तो उस समय जब इंडिया लिखा हुआ था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो कुछ मेंबर पार्लियामेंट उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने कहा नहीं इसका हिंदी का भी एक रूपांतरण होना चाहिए, एक इंडियन कल्चर के हिसाब से कोई नाम होना चाहिए। तो उस समय में उन्होंने कहा नहीं भारत होना चाहिए। क्यों भारत होना चाहिए?
क्लियर कहा उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर में कि भाई नहीं ये तो वेदों में था, ये तो महाभारत में था, ये तो रामायण में था, उसमें क्या सही है गलत है ये मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, उसके ऊपर मैं कोई भाष्य नहीं कर रहा हूँ। लेकिन भारत ये वर्ड कब आया? 3600 साल पहले। तो क्या ये जो हमारा टेरिटरी है पूरा जो है इंडियन ओशन से लेके बे ऑफ बंगाल से लेके तो कश्मीर तक जो है जो हमारा टेरिटरी और इधर कोहिमा तक के जो हमारा टेरिटरी है, क्या कभी वहाँ लोग नहीं रहे? क्या मान लीजिए 3600 साल पहले वहाँ लोग नहीं थे क्या? या सिंधु सभ्यता के पहले लोग नहीं थे क्या? उनका कोई कल्चर नहीं था क्या? उनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी क्या? ज्योग्राफी नहीं थी क्या? थी। इंडिया में अगर हम उसको पढ़ते हैं, ट्राइबल कल्चर हिस्ट्री को देखते हैं, उसका नाम था कोयामुरी द्वीप, सिंगार द्वीप उसका नाम था, शंभू द्वीप उसका नाम था, जिसका पॉपुलर नेम गोंडवाना है, जिसका सबसे पॉपुलर नेम गोंडवाना है। तो भारत से पहले गोंडवाना था, लेकिन जब संविधान लिखा जा रहा था तो लोगों ने कहा नहीं भारत को लिखो, क्योंकि ये तो वेदों से आए, महाभारत से आए, रामायण से आए, और संविधान लिखने वाले मुंह बंद करके रहे क्योंकि उनको ये हिस्ट्री कल्चर की मालूम ही नहीं थी, इल्म ही नहीं था उनको। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जब भारत से पहले गोंडवाना था तो अगर हमको सही में ट्राइबल हिस्ट्री कल्चर को, जो सबसे अच्छा है क्योंकि वो प्रकृति और मानवता के आधार पर है, अगर उसको हमें ऊपर लाना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, तो इंडिया दैट इज़ भारत के जगह इंडिया दैट इज़ गोंडवाना, ये अमेंडमेंट आर्टिकल 1(1) में किया जाए, यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में जो है ये अमेंडमेंट किया जाए, इसके ऊपर सकारात्मक विचार हो, ये बात जो है मैं कह रहा हूँ। अब भाषणों में लोग हिंदुस्तान बोल देते, हिंदुस्तान तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में आप भारत के जगह गोंडवाना अगर लिख दे तो फिर कंप्लीट होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर जो, और पूरी दुनिया को एक पहचान मिलती है कि भाई इंडिया वॉज अ इंडिजीनियस कंट्री। आपने एजेंडा तो फिक्स कर दिया सर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम, लेकिन जो सरकार इस समय देश में है, क्या आपको लगता है कि ये सरकार आपके एजेंडे पर कहीं भी थोड़ा बहुत भी हो काम करेगी? अगर नहीं करती है तो आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आप नीतिगत राजनीति अब इसके ऊपर करेंगे सकारात्मक पहल के तौर पर, तो ये राजनीति कैसे आप शुरुआत करने जा रहे हैं? और ये जो एजेंडा आपने दिया इसके ऊपर सरकार को अमल कराने के लिए आपकी ओर से क्या कुछ आगे प्रयास होंगे? देखिए पहले तो मैं इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ। तो अभी मैं आज जाके अभी पिटीशन बना रहा हूँ 9 अगस्त के डेट में, और कल आदिवासियों ने मुझे बड़े हाथ उठा के जो है कहा नहीं ये काम तो होना चाहिए सर, और ये काम इंडिया में होने की ज़रूरत है। तो मैं आज पिटीशन बनाऊंगा 9 अगस्त के डेट में, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन दूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को पिटीशन दूंगा, ये तमाम CMs और गवर्नर्स को दूंगा जो मैं अभी बोलते आया हूँ, ये पहला काम करूंगा। ज़रूरत है तो इसको फिर मैं आगे इंटरनेशनल लॉ के तहत इसको इवोक करूंगा, पहले ये देने के बाद देखूंगा कि क्या रिस्पॉन्स है गवर्नमेंट्स का सारा, ये पहला काम मैं करूंगा। और उसके ऊपर मैं मुझे जो बात बोलना है पार्टी के तरफ से, API के तरफ से वो मैं बोलूंगा, और ये पार्टी का एक एजेंडा ही है क्योंकि API तो पॉलिसी को लेकर सबसे बेस्ट पार्टी है। आप लोग जानते हैं कि API के पास जो पॉलिसीज़ है वो पूरे इंडिया में किसी के पास नहीं, वर्ल्ड में भी नहीं है। तो बहुत जो वास्ट पॉलिसीज है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की पार्टी की, उसमें एक ये ट्राइबल इंडिजिनियस राइट्स का एक ये 12-13 पॉइंट का एक एजेंडा ही फिक्स कर दिया। तो इसके ऊपर मैं अपनी बातें करूंगा, पार्टी के लोग भी लोगों को समझाएंगे, और इसको लेकर जो है हम BJP गवर्नमेंट को और बाकी राज्यों की गवर्नमेंट्स को इस तरह से इंटरनेशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है हम उनको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि भाई ये काम हो। अगर वो नहीं होते तो इलेक्शन तो है ही, इलेक्शन हम लड़वाएंगे और इलेक्शन में जो है वो API को जिताने का प्रयास करेंगे, और BJP और बाकी पार्टीज जो नहीं मानेंगी वो हारेगी इसमें। जैसा कि सर आपने कहा है कि मध्य प्रदेश के बैतूल से आपने देश के 12 करोड़ आदिवासियों को एक एजेंडा फिक्स किया 12 करोड़ आदिवासियों के लिए, तो आपको लगता है कहीं कि इसका देश भर के आदिवासियों पर असर होगा, सरकारों पर असर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आज देखिए आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो पूरे देश के आदिवासी सुनते हैं, उस बात को मानते हैं, और उस ये बात मैं 2013 से कर रहा हूँ धीरे धीरे स्टेजेस में, और 2008 से कर रहा हूँ रादर में जो है पार्टी बनने के पहले से। पार्टी बनने के बाद हमने इसको ऊपर में डिक्लेयर भी किया हमारे नीति अभिवचन में बहुत सारी चीज़ों को, हमारे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के इसमें भी हमने कुछ बातों को डिक्लेयर किया। फिर मैंने स्वयं संसद को 2 बिल ऑलरेडी दिए हैं संविधान को अमेंड करके इंडिजिनियस राइट्स को लाने के लिए, उसमें भी इसकी ऑलमोस्ट ऑल ये 13 पॉइंट्स के साथ या 8 पॉइंट्स उसके अंदर में है। तो ये काम तो हम लोग कर ही रहे, और इसके ऊपर हम इलेक्शन लड़े तो
छत्तीसगढ़ में हमें अच्छा वोट मिला है और छत्तीसगढ़ में एपीआई की वजह से बीजेपी हारी है, बहुत लोगों को फिर से मैं रिमाइंड करना चाहता हूँ। झारखंड में बीजेपी हारी, हमने झारखंड में भी एजेंडा सेट किया, तो झारखंड में भी हमारा बहुत बड़ा रोल है बीजेपी को हराने में, 20-25% जो है वो। तो ऑलरेडी जो है ये एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है लिमिटेड वे में, अब ये बड़े स्वरूप लेगा क्योंकि 23 के चुनाव आ रहे हैं कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में 23 में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, फिर 24 में जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन है। मैं स्वयं भी पार्लियामेंट के चुनाव को जो है इस बार कंटेस्ट कर रहा हूँ और 24 में पार्लियामेंट में मैं जाऊँगा, सभी लोगों की समझदारी और प्यार रहा तो ये भी एक इशू है। तो अगर मैं पार्लियामेंट में जाऊँगा तब तो ये काम और भी फास्ट हो जाएगा और मेरे साथ 2-3 एमपी भी अगर जीत जाते हैं एपीआई के, तब तो ये काम को इंडिया में कोई रोक नहीं पाएगा, मैं समझता हूँ, चाहे मेजॉरिटी किसी की भी रहे, गवर्नमेंट किसी की भी रहे, क्योंकि जितना मुझे मालूम है इंडिया और वर्ल्ड का ये किसी को नहीं मालूम इंडिया में अभी। आदिवासियों के लिए सर आपने एजेंडा तो फिक्स कर दिया, लेकिन आदिवासियों के साथ साथ आपने देश के कुछ 10 करोड़ से 20 करोड़ गरीबों को भी मध्यम अमीर बनाने का भी एक एजेंडा आपने बीच में भाषणों में आपने दिया था, तो इसमें भी क्या पॉइंट टू पॉइंट आप ऐसा कुछ एजेंडा तैयार करेंगे 2024 आते तक, ताकि इसके भी व्यापक असर सरकार पर हो और देश के नागरिकों को भी ये बातें समझ में आए कि किस तरह से वो अमीर बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 10 करोड़ परिवार, 10 करोड़ लोग नहीं, 10 करोड़ परिवार, यानी लगभग 45 करोड़ लोग, लगभग 45 से 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ परिवार जो गरीब है, बीपीएल है या बीपीएल जैसी कंडीशन है जिनकी, उनको एक साथ 10 सालों के अंदर, एक दिन में नहीं, एक साल में नहीं, 10 सालों के अंदर गरीबी से बाहर निकाल के मिडिल इनकम में लाना है, मिडिल इनकम रिच बनाना है, एकदम बहुत अमीर नहीं लेकिन मध्यम रूप से अमीर बनाना है। इसकी फिनेंस की, जिसको मैं कटिंग एज पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिनेंस कहता हूँ, वो पॉलिसी का कैलकुलेशन मैंने कर लिया है, उन आंकड़ों को और क्रॉस चेक मैं कर रहा हूँ और बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल 10 साल में इनको बिल्कुल गरीबी से बाहर निकाल के एकदम मध्यम रूप पे हम ला सकते हैं। उसको मैं केवल अभी डिक्लेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ यमलेश जी, क्योंकि अगर मैं डिक्लेयर कर लूँगा तो मीडिया तो मुझे नहीं दिखाती है जानबूझ के, क्योंकि उनको मालूम है अगर मानकर साहब को दिखाएंगे तो बीजेपी के लोग फीके पड़ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी में एक भी व्यक्ति नहीं है जो मेरे आगे खड़ा होकर बात कर सके, नॉलेज के लेवल पर मैं कह रहा हूँ। तो और फिर क्या है, मीडिया में ये मेरी बातों को चुरा लेंगे और फिर उसका प्रचार मीडिया करेगी कि देखो ये कर रही, या केजरीवाल जैसे टोपी वाला आदमी आता है, कोई भी बात बोल देता, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, अभी गुजरात में कह रहा है कि भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ, पैसा लॉ पढ़ा तो भी है क्या आपने, आपको कल्चर हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम तो भी है, इंडिजिनियस राइट्स मालूम तो भी है क्या, आईलो कन्वेंशन 169 मालूम तो भी है क्या? तो आप आधी अधूरी बात कर रहे हैं, लेकिन मीडिया उनके पास में है, सत्ता उनके पास में है, पैसा उनके पास है, संसाधन उनके पास है, तो वो मेरी बात को चुरा लेंगे। जैसे मैंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम बोला था, उसके बाद राहुल गांधी जी ने कहा था कि नहीं, हम पार्शल बेसिक इनकम न्याय स्कीम की डिक्लेयर किया था पिछले चुनाव में, तो मुझसे चुरा के ये लोग अपने नाम पे बोलेंगे, इसलिए मैं इसको रोक के रख रहा हूँ। जनवरी 2024 में 3 महीना पहले मैं इसको डिक्लेयर कर दूंगा और बिल्कुल इट इज़ पॉसिबल 10 साल में 10 करोड़ परिवारों को हम गरीबी से बाहर निकाल के मध्यम रूप से अमीर बना सकते हैं, यानी भारत में एक भी परिवार गरीब नहीं रहेगा 10 सालों में अगर मेरी सरकार बनती है तो। तो ये थे एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर, जिन्होंने विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त 2022 के दिन देश के 12 करोड़ आदिवासियों के नाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एक एजेंडा दिया है, एजेंडा फिक्स कर दिया है उन्होंने, और ये 13 पॉइंट के एजेंडे के ऊपर में आप डिटेल में चर्चा सुन रहे थे विजय मानकर को एनलाइटन इंडिया के लिए। साथ में उन्होंने देश के 10 करोड़ ऐसे परिवार जो कि काफ़ी गरीबी में है, उन्हें मध्यम अमीर बनाए जाने के लिए भी एक एजेंडा उन्होंने फिक्स कर दिया है, जिसे वे 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले डिक्लेयर कर देंगे पॉइंट टू पॉइंट। एनलाइटन इंडिया के लिए यमलेश वंजारी। जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना।